डालने को। चलो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। आप भी हमारे साथ एंजॉय करते हैं। जब बंडल भी फिरते हैं यहाँ पर। स्टार्ट में ही गोलगप्पे, दही बल्ले और बर्गर के स्टॉल हैं। यहाँ का रास्ता बहुत प्यारा है और हमारी कजन भी हमारे साथ साथ है। किसको अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। और मैं देखे मंकी। मंकी को किसी ने कोल्ड ड्रिंक दे दिया और मंकी कोल्ड ड्रिंक लेकर बहुत खुश हो गया है। ये देखे मीनाल मंकी के करीब आई और मंकी ने मीनाल को डरा दिया। अब हम मंकी की शरारतें देखेंगे। देखिए किस तरह से कोल्ड ड्रिंक को गिराकर पी रहा है। माँ हम तो डर गई है। फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट टाइम मंकी को इस तरह से कोका कोला पीते हुए देख रही हूँ। एंड देखिए उसका इतना क्यूट सा बेबी भी आ गया है। मुझे तो इतना मजा आ रहा था इनकी शरारतें देखकर। अगर आपको मंकी अच्छी लगे तो इसे लगकर लाइक जरूर कर देना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर देना। ये देखिए मंकी का बेबी किस तरह से टैनी को हिला रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स ये है गोल्डन मैन। सब लोग इनके साथ फोटो बनवाते हैं और हम वीडियो बनवा रहे हैं। इनकी हर चीज गोल्डन है। एंड ये देखिए इनकी बॉल भी गोल्डन है और अम्ब्रेला भी गोल्डन है और मैं जो चेयर पे बैठी थी वो भी गोल्डन है। मैं गोल्डन मैन को पैसे दे रही हूँ। अब हम दामने कू के मेन पॉइंट पर जा रहे हैं। वो जगह बहुत ऊंचाई पर है इसलिए रास्ते में सीढ़ियाँ भी आ रही हैं और गमले भी लगे हुए हैं फूलों के। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अगर आपको अच्छे लगे ना तो आपने कमेंट में जरूर बताना है। ये है दामने कू का मेन पॉइंट। ये तो बहुत ऊंची जगह है इसलिए यहाँ से पूरा इस्लामाबाद नजर आता है। फ्रेंड्स देखें यहाँ पर भी जो है ना शरारती बंदर आ गया है। ये देखें ये आपको फैसल मस्जिद भी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही होगी। शाम का टाइम है, सर्दी बहुत ज्यादा है इसलिए बहुत धुंध हो रही है, इसलिए आपको कुछ भी सही से ठीक चीज नजर नहीं आ रही है। आप में से जो यहाँ पर आ चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि यहाँ पर व्यू कितना खूबसूरत नजर आता है ना। अब हम दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं। ये थोड़ा सा नीचे है लेकिन यहाँ पे भी बहुत प्यारा व्यू नजर आता है। अब हम दूसरी सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा।
अब हम वापस नीचे की साइड पर जा रहे हैं। यहाँ पर एक पान की शॉप भी है जिस पर लिखा है वर्ल्ड के सबसे बड़े और खूबसूरत पानदान। इनकी शॉप पर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी शॉप पे क्या क्या है। ये इनकी शॉप पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई हैं जो आपको सामने नजर आ रहा है। कायदे आजम और मोहतरमा फातिमा जिना, और इन्होंने चरखा वगैरह भी रखा हुआ है, कुर्सियां वगैरह भी रखी हुई हैं और गुड्डा गुड़िया भी हैं। देखिए इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं ना। अगर आपको अच्छी लगी तो आपने कमेंट में जरूर बताना है। और यहाँ पर जो है ना पेंटिंग्स वगैरह भी रखी हुई हैं। कितनी प्यारी कैट लग रही है ना। अब मैं शाही पान ले रही हूँ। इसके प्राइस 100 रुपीज है। मैं ऊपर चढ़कर देखती हूँ कि ट्री हाउस कैसा है। फ्रेंड मैंने ऊपर पाँव नहीं रखा, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी। अब मैं नीचे उतर आई हूँ। यहाँ पर स्विंग्स भी हैं। इस स्टॉल पर किचन है। किचन पे सबके नाम लिखे हुए हैं लेकिन मुझे अपना नाम नजर नहीं आया इसलिए मैं आगे चली गई। और यहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। ये देखिए यहाँ पर बर्ड हाउस के शोपीस बने हुए हैं, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे। और इन्होंने तोते भी बनाए हुए हैं, उसके अंडे भी। इस स्टॉल पर वुड की बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी चीजें हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने तांगा भी बनाया हुआ है, शेर भी बने हुए हैं वुड के, और ये फैसल मस्जिद भी, कायदे आजम का मीनार भी, और बहुत सारी चीजें भी। ये देखिए ट्रक भी बने हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मसाले के बॉक्स भी बनाए हुए हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये बाउल का सेट है। फ्रेंड्स मुझे तो यहाँ पे चौक पर बहुत मजा आया। यहाँ पर बंदर बहुत ज्यादा था और शरारती भी बहुत थे। तो अगर आपको मजा आया ना कमेंट में।